please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बेंगलुरु में बीजेपी दफ्तर के बाहर कर्नाटक चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता पार्टी के झंडे लहराते हुए जीत की खुशी जाहिर करने लगे। लिहाजा कर्नाटक में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के बाद 2019 में उसे घेरने के लिए तीसरे मोर्चे की आठ और तेज हो गई, क्योंकि कर्नाटक की जनता ने जिस तरह बीजेपी का साथ दिया उससे दूसरे दलों में खलबली मच गई। ऐसे में बीजेपी को मिली बढ़त के बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ट्विटर पर लिखा कि कर्नाटक चुनाव में जीतने वालों को बधाई और जो हार गए वो फिर लड़े। अगर कांग्रेस ने जेडीएस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा होता तो नतीजे कुछ और होते। बीजेपी के सबसे बड़ा दल बनकर उभरने के बाद भी ममता अगर ऐसा कह रही हैं तो इसकी वजह है। अगर कांग्रेस की 78, जेडीएस की 38 और अन्य को मिली दो सीटों को जोड़ दें तो यह आंकड़ा 118 तक पहुंचता है, जो 112 के जादुई आंकड़े से 6 ज्यादा है। वहीं बीजेपी 104 सीटें हासिल करके भी बहुमत से 8 सीट दूर है। वहीं कर्नाटक के नतीजे आने के बाद समाजवादी पार्टी के साथ बीएसपी ने भी तीसरे मोर्चे पर जोर दिया। बीएसपी ने इस चुनाव में जेडीएस से गठबंधन कर रखा था और नतीजे आने के बाद पार्टी ने बीजेपी को रोकने के लिए तीसरे मोर्चे पर जोर दिया। यही एक तरीका है जिससे भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराया जा सकता है। हमारे सामने आगे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, जहाँ कांग्रेस मजबूत है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने नतीजों के बाद क्षेत्रीय पार्टियों के दम पर चुनाव लड़ने की वकालत की। जेडीएस के रिजल्ट देखते हुए मैं ये कह सकती हूँ कि क्षेत्रीय पार्टियां ही भाजपा को रोकेंगी। कर्नाटक चुनाव के नतीजे आने के बाद विपक्षी दलों को समझ आ रहा है कि 2019 में बीजेपी से टक्कर लेनी है तो एकजुट होना ही पड़ेगा। यही वजह है कि बीजेपी को शिकस्त देने के लिए सभी दल साथ आने की रणनीति पर विचार कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पर तीसरे मोर्चे को लेकर गंभीर न होने का आरोप भी लग रहा है और कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहे एनसीपी जैसे दल भी कांग्रेस को कर्नाटक चुनाव के नतीजों से सबक लेने की नसीहत दे रहे हैं। अगर जनता दल एस और कांग्रेस के अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग होती, कोई समझौता होता तो शायद दूर दूर तक बीजेपी का पता नहीं चलता। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी कर्नाटक में बहुमत गंवाने के लिए कांग्रेस की रणनीति को ही जिम्मेदार ठहराया। अगर आप जनता दल सेकुलर के साथ मिलकर चुनाव लड़ते कर्नाटक के अंदर तो आज कांग्रेस और जेडीएस की सरकार वहां पर होती। जाहिर है कर्नाटक चुनाव के नतीजों ने विपक्ष को नया मोर्चा खड़ा करने के लिए मंथन पर मजबूर कर दिया। कर्नाटक के नतीजों में बीजेपी भले ही सबसे ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रही हो लेकिन सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस को मिले। नतीजे सामने आने के बाद पार्टियों का वोट शेयर हैरान करने वाले रहा, क्योंकि केवल 78 सीट जीतने वाली कांग्रेस पार्टी वोट शेयर के मामले में सबसे आगे रही। कांग्रेस को राज्य में करीब 38% वोट मिले जबकि बीजेपी के वोट प्रतिशत का आंकड़ा कांग्रेस से कम रहा। बीजेपी को करीब 36% ही वोट मिले तो 19% वोट पर कब्जा करने में जेडीएस कामयाब रही और 8% वोट अन्य के खाते में गए। लेकिन दिलचस्प यह है कि 2013 के मुकाबले काफी कम सीट पर कब्जा करने वाली कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा है। कांग्रेस को 5 साल पहले के मुकाबले करीब 1% ज्यादा वोट मिले तो बीजेपी को पिछले चुनाव से करीब 16% वोट ज्यादा मिले तो जेडीएस का वोट शेयर 20% से घटकर 19% ही रह गया। लेकिन आंकड़ों का खेल यह है कि सबसे ज्यादा वोट पाने वाली कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी बन गई और सबसे कम वोट पाने वाली जेडीएस के हाथों में सत्ता की कुंजी आ गई। हरियाणा के गुरुग्राम में एक बाइक सवार बदमाश तमंचे से गोली चलाता हुआ दिखा। आरोपी की बदमाश ने सेना के एक जवान पर गोली चलाई और उसे घायल भी कर दिया, लेकिन उसकी ये करतूत सड़क किनारे लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। गोली जवान के सीने में लगी जिसके बाद उसे घायल हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायल जवान का आरोप है कि दो बाइक सवार बदमाश एक महिला की चेन छीन कर भाग रहे थे, तभी उसने बदमाशों का पीछा करना शुरू कर दिया जिसके बाद बाइक पर पीछे बैठे बदमाश ने उस पर गोली चला दी। बाइक अचानक बीच में रोक के और एकदम से फायरिंग करनी शुरू। हालांकि बाइक सवार दोनों बदमाश आसानी से फरार हो गए। बदमाशों का चेहरा ढका होने की वजह से उनकी पहचान नहीं हो पाई, लेकिन पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश करने में जुट गई।